नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। गांव का दबंग शराब के नशे में युवती के साथ करता है मारपीट, थाने में नहीं हो रही युवती की सुनवाई, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। मामला कमासिन थाना क्षेत्र के बंदरी गांव का। बांदा से नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। क्या मामला है और किस लिए आप जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं? मैं आई हूँ इसलिए कि कमासिन थाने में नहीं गई हूँ तो वहाँ पर कोई सुनाई नहीं की गई। 26/10 की घटना है, 26/10 से 30/10 तक बरोबर कमासिन थाने गई हूँ, मारपीट का मामला है, आज तक कोई सुनाई नहीं की गई। किसने की आपके साथ मारपीट? लंकुश गौतम ने। किस कारण से आपके साथ मारपीट हुई है? दारू गांजा पीकर। मैंने उससे हमारा कोई मतलब नहीं, दारू गांजा पीकर मारपीट किया है। कौन है ये आपका? पंडित है। कौन है आपका? कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं है, गांव के हैं। गांव के जी। क्यों करता है मारपीट आपके साथ? दारू गांजा पी के। दारू गांजा पी के करता है, लेकिन क्यों करता है? वजह क्या है? कुछ नहीं, उसका हमारा कोई नहीं है, कोई पारिवारिक रंजिश वगैरह कुछ नहीं? कोई रंजिश नहीं, कोई हमारी घर नहीं है। अभी तक आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय गई थी तो क्या अब तक कार्रवाई हुई आपको? कोई कार्रवाई नहीं भाई, मैंने यहाँ भी श्रीमान सीओ साहब बवेरू के यहाँ प्रार्थना पत्र देने हो तो वहाँ से श्रीमान सीओ साहब 26/10 का वहाँ घटना भी 27/10 का बवेरू गई हूँ, सीओ साहब से मुलाकात नहीं भी है। फिर 28/10/2021 का श्रीमान सीओ साहब आदेश की नहीं कि जाओ थाने में लिखी जाई, फिर कोई सुनाई नहीं कीन गया है। फिर मैंने लगातार थाने आवत रहे सीओ साहब हन के यहाँ, मुलाकात नहीं भी आए। फिर 2 तारीख का श्रीमान कप्तान साहब हन के यहाँ आई हूँ 2/11/2021 का। अब क्या चाहती हैं? इसमें मैं कार्रवाई मुकदमा लिखाना चाहती हूँ और उसमें मुझे दबाव कर रहे हैं श्रीमान एसओ साहब सुरेंद्र प्रताप सिंह एसआई दरोगा जी कमासिन थाने के, दबाव कर रहे हैं कि आ जाए तो मारपीट के इससे सुलह करवाना चाहते हैं। अब मैं सुलह नहीं होना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको कि किस वजह से दबाव डाल रहे हैं आप? दबाव पैसा पाए हैं, पैसा कमासिन थाना नहीं है, ये न्याय बेचने की दुकान है कमासिन थाना, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की गई कमासिन थाने में, अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। छह बारह 2021 को श्रीमान सीओ साहब आदेश की, फिर भी उनका आदेश नहीं माना गया कमासिन थाने में, क्षेत्र अधिकारी फिर भी आदेश नहीं कमासिन थाने में माना जा रहा। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि जो थाने में पा जाएंगे तो बस मारपीट के सुलह कराना चाहते, अब मैं मुकदमा लिखाना चाहती हूँ, मैं सुलह नहीं चाहती हूँ, पैसा के बल न्याय बिक रहा कमासिन थाने में, बीजेपी सरकार में महान भ्रष्टाचार है कमासिन थाने में, गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं, कमासिन थाने से जनता बहुत बेहद है कमासिन थाने में। अब अधिकारी जब क्षेत्र अधिकारी का आदेश नहीं माना गया कमासिन थाने में तो अब किसका आदेश माना जाएगा।